नमस्कार। राजस्थान में वेदर अपडेट। दिसंबर माह के शुरुआत होते ही राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में फिर मावठ की संभावना और एक दो सिस्टम सक्रिय होने के कारण 2 दिसंबर को सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस दौरान उदयपुर संभाग में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना लगाई जा रही है और देश भर में बने मौसमी सिस्टमों की नजर डाले तो इस समय राजस्थान के मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है और नए सिस्टम का असर अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की संभावना है। यानी अंडमान सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना। इसके चलते बुधवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के पूरे संभावना। इसके दौरान राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना लगाई जा रही है। के अनुसार इस सिस्टम के प्रभावित दक्षिण व पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना लगाई जा रही है। आज भी आपको आसमान में बादलों का डेरा डाले हुआ लगा हुआ है और भरतपुर कोटा उदयपुर संभाग में मेघ गर्जना आकाशीय बिजली के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही जोधपुर के भी पाली व जालौर जिले में भी बारिश की संभावना लगाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें आज से कल ज्यादा होगा असर राजस्थान में इस सिस्टम का। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक 2 दिसंबर को सबसे ज्यादा असर रहेगा। मौसम जानकारी के मुताबिक बदलाव के कारण राजस्थान में फिर मावठ की संभावना है। इस दौरान सिस्टम का असर अगले 2 से 3 दिनों तक रहने की संभावना और एक बार फिर 3 से 6 दिसंबर के फिर राजस्थान में मौसम होगा सक्रिय, जिसके कारण उत्तरी राजस्थान सहित कई इलाकों में बारिश की संभावना लगाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर को राज्य के जोधपुर कोटा उदयपुर जयपुर अजमेर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकेगी। उदयपुर संभाग में 1-2 जगहों पर भारी वर्षा और ओले गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम की ताज़ा वैसे ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजस्थान की मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।